क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसमें क्या दिया है, पी एंड क्यू टुगेदर कैन डू अ जॉब इन 6 डेज। मतलब पी और क्यू मिलकर किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। क्यू एंड आर कैन फिनिश द जॉब इन 60/7 डेज। तो क्यू प्लस आर कर सकते हैं उसी जॉब को कितने, 60/7 डेज में। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपन एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 6 10 60 और 60 से 60 कट जाएगा, 7 बचेगा नीचे, वो ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7। अब क्या आ गया, पी स्टार्टेड द वर्क, पी ने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अपने भाई पी ने काम करना शुरू किया पी एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, द रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय क्यू एंड आर, तो क्यू प्लस आर ने काम करना स्टार्ट किया, क्यू प्लस आर भाई साथ में लग गए, वो कंटिन्यू 6 दिन तक, 6 दिन तक काम कंप्लीट हुआ। जब जाके ये कितना काम कर पाया, पूरा काम कर पाया, पूरा काम अपन को पता है 60 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ से अपन रख देते हैं वैल्यू, क्यू प्लस आर की वैल्यू अपन को पता है एफिशिएंसी की 7 है, क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी अपन को पता है 7 है, ये 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 को 60 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 18। ठीक है, मतलब पी इंटू 3 बराबर आ गए 18, और ये 3 से 18 कट जाएगा 6 टाइम। यहाँ से अपने पास पी की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 6। अब पी की एफिशिएंसी अगर 6 आ गई, पी प्लस क्यू की मिला के 10 है, तो क्यू की कितनी हो जाएगी, 4, और क्यू प्लस आर की 7 है, क्यू की 4 है, तो आर की कितनी हो जाएगी, आर की 3। ये आ गई अपने पास तीनों की एफिशिएंसी अपने पास आ गई, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते अपन। अब अपन से क्या बोला था, इन द डिफरेंस ऑफ डेज आर एंड पी कंप्लीट द जॉब, तो पहले आर का निकाल लेते हैं, आर कितने दिन में कंप्लीट करेगा, आर की एफिशिएंसी है कितनी, 3, आर की एफिशिएंसी है 3, और काम करेगा वो 60, तो कितने दिन में कर देगा, 20 डेज में कर देगा। ठीक है, हम निकालते हैं पी का, पी की एफिशिएंसी कितनी, 6, और काम है 60, तो कितने डेज में कर देगा, 10 डेज में कर देगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं बता सकते आप, कितना आ जाएगा, 10 डेज, आसान सी बात थी। ठीक है,